दोस्तों अभी हाल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने लोकल क्रिकेट मैच को लाइव कर सकते हो और लोकल क्रिकेट मैच का स्कोर बोर्ड भी आप लगा सकते हो OBS स्टूडियो के अंदर और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि इस स्कोर बोर्ड को कैसे आप यूज कर सकते हो, कैसे आप अपडेट कर सकते हो। लेकिन आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि इस स्कोर बोर्ड को आप बीमिक्स सॉफ्टवेयर में कैसे यूज कर सकते हो और अपना लोकल क्रिकेट मैच लाइव कर सकते हो। तो आइए चलते हैं अपने पीसी पर और बीमिक्स सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। हम आ चुके हैं अपने पीसी पर, यहां पर मैंने ये स्कोर बोर्ड ओपन कर रखा है। अब इस स्कोर बोर्ड को हमें लगाना है अपने बीमिक्स सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले यहां पर जो लेआउट वन का ऑप्शन आ रहा है इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही लेआउट वन पर हम क्लिक करेंगे इस तरह का स्कोर बोर्ड यहां पर जो लेआउट है वो हमारा यहां पर दिखाई देने लगेगा। इस तरह का लेआउट यहां पर आ रहा है। अब इसे हमें ऐड करना है अपने बीमिक्स सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले यहां से ये पूरा URL हमें कॉपी कर लेना है। इस URL को हम कर लेते हैं यहां से कॉपी। इसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर मैंने अपना बीमिक्स का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने अपनी एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पर लगा रखी है। आप अपना जो भी कैमरा वगैरह है जो कि आपके ग्राउंड की कवरेज कर रहा है उस कैमरे को यहाँ कनेक्ट करके उसकी फुटेज को आप यहाँ पर लेके आ सकते हो। मैंने यहाँ पर डेमो के लिए एक वीडियो लगा रखा है। बीमिक्स सॉफ्टवेयर का इंटरफेस इस तरह का दिखाई देता है। अगर आपको सीखना है, बीमिक्स सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बीमिक्स की भी पूरी वीडियो मैं आपको बता दूंगा, ट्यूटोरियल वीडियो इसकी बना दूंगा। लेकिन फिलहाल हम यहां पर बात कर रहे हैं कि इसके अंदर हम स्कोर बोर्ड को कैसे ऐड करेंगे। तो यहां पर हमारी वीडियो ये ऐड हो रखी है और ये वीडियो हमारी यहां पर भी सोर्सेज में भी दिखाई दे रही है। अब आपको सिंपली यहां पर जो ऐड इनपुट का ऑप्शन आ रहा है नीचे की साइड आप देखोगे ऐड इनपुट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इनपुट को ऐड करने के ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेंगे। वीडियो ऐड कर सकते हो, DVD ऐड कर सकते हो, कैमरा ऐड कर सकते हो, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाते हैं। आपको जाना है सबसे नीचे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा वेब ब्राउज़र, आपको वेब ब्राउज़र पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन दिखेगा URL का। अब जो URL हमने अभी कॉपी किया था उसे हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे अब आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ नीचे की साइड आपको यहाँ पर ब्राउज़र का ऑप्शन दिख जाएगा। जो हमारा स्कोर बोर्ड था वो यहाँ पर आ गया है। अब आप सोच रहे होगे कि हमें अपनी स्क्रीन पर जो ये स्क्रीन यहाँ दिखाई दे रही है इसके ऊपर हम कैसे ऐड करें। तो बहुत ही सिंपल है। यहां पर आप देख रहे हो ये हमारा वीडियो चल रहा है, इसे आप मान लो आपके कैमरे का फुटेज यहां पर चल रहा है। अब इसके ऊपर आपको स्कोर बोर्ड को शो कराना है तो सिंपल आपको यहां पर दो नंबर जो दिख रहा है ना 2, इस पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप 2 पर क्लिक करोगे आप देख रहे हो हमारा जो स्कोर बोर्ड था वो यहां पर आ चुका है। यहां पर नीचे आप देखोगे स्कोर बोर्ड हमारा यहां दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद वापस जाना है हमें उसी स्कोर बोर्ड वाली वेबसाइट पर जाना है और वहां से जो भी हम अपडेट करेंगे वो हमारा स्कोर बोर्ड में यहां पर भी अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्कोर बोर्ड के अंदर जो भी आप अपडेट करोगे यहाँ पर जो भी आप अपडेट करोगे वो आपका बीमिक्स में भी अपडेट हो जाएगा और आपकी लाइव स्ट्रीमिंग पर दिखाई देगा। मान लो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मान लो हमारा यहाँ पर 6 पड़ गया तो मैं यहाँ पर टिक करूँगा 6 के ऊपर। अब आप देखोगे यहाँ पर बीमिक्स के अंदर भी यहाँ देख सकते हो हमारा 6 यहाँ दिखाई दे रहा है। 6 को यहाँ से हाइड कर देते हैं। उसके बाद मान लो आपका विकेट डाउन हो गया तो आप विकेट पर क्लिक कर दो, यहाँ पर आपका विकेट यहाँ दिखाई देने लगेगा, विकेट आ गया देखो बीमिक्स में। इसी तरह से आप चाहते हो जैसे आपका 4 पड़ गया तो यहाँ पर 4 टिक कर दो तो आपका यहाँ पर बड़ा बड़ा ये 4 लिख के आ जाएगा। इसी तरह से जो भी हम स्कोर यहाँ पर अपडेट करेंगे वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्कोर बोर्ड बीमिक्स के अंदर भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको बीमिक्स सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, बीमिक्स सॉफ्टवेयर आप सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बीमिक्स का पूरा फुल ट्यूटोरियल वीडियो भी मैं बना दूंगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इस स्कोर बोर्ड को बीमिक्स के अंदर भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर को यूज करना बहुत ही आसान है, साथ ही साथ इस सॉफ्टवेयर को आप अपने मोबाइल फोन पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।